चलिए अपने कीपिंग क्वाइट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, आज सेंटर आइडिया को देखते हैं। कीपिंग क्वाइट का सेंटर आइडिया है आपके लिए क्या है, इन कीपिंग क्वाइट मतलब इस कीपिंग क्वाइट पोयम में जो पोइट है वो क्या कर रहा है, डिमांड्स मतलब मांग करता है। वह किससे मांग कर रहा है, लोगों से, पीपल से मांग कर रहा है कि द नेसेसिटी मतलब आवश्यकता है, और काय की आवश्यकता है, ऑफ मतलब कि, क्वाइट मतलब होता है शांत रूप से, इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण करना होता है, शांत रूप से निरीक्षण करने की आवश्यकता है। तो इस कविता के माध्यम से जो पोइट है वो क्या कर रहा है, डिमांड्स करता है मतलब मांग करता है, किस चीज़ की मांग करता है, द नेसेसिटी मतलब आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है, ऑफ मतलब कि, क्वाइट मतलब हो गया शांत, इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण करने की, शांत रूप से निरीक्षण करने की सभी लोगों को आवश्यकता है। अब आवश्यकता क्यों है, उसका कारण लिखा है, क्योंकि जो मेंस एक्शन है, जो आदमी के जो एक्शन है ना, और एक्शन के बारे में लिख दिया है कभी ने यहाँ पर, कौन से एक्शन, हिज रन, रन मतलब होता है भागा दौड़ी, और एंड हरी, हरी मतलब होता है जल्दबाजी होता है। तो कौन से एक्शन है जो भागा दौड़ी करके करता है आदमी, और जो हरी मतलब जल्दबाजी में जो एक्शन करता है व्यक्ति, वो हैव ऑलरेडी मतलब पहले ही से, कॉज मतलब होता है कारण बन गए हैं, और काय का कारण बन गए हैं, मच मतलब होता है अत्यधिक, और के मतलब होता है गड़बड़ी का, वे एक्शन गड़बड़ी का कारण बन गए मतलब प्रॉब्लम का कारण बन गए हैं। क्या है, जो मेंस के एक्शन है मतलब आदमी के जो एक्शन है, और कौन कौन से एक्शन, हिज रन एंड हरी मतलब जो रन वाले, भागा दौड़ी वाले, और हरी मतलब जल्द वाली जो एक्शन है ना, वो क्या हो चुके हैं, हैव ऑलरेडी कॉज्ड, कॉज्ड मतलब होता है कारण बनना, वह कारण बन चुके हैं, और किसका कारण बन चुके हैं, मच कॉज, मच केस मतलब होता है अत्यधिक गड़बड़ी का या प्रॉब्लम का कारण बन चुके हैं, एंड ट्रॉबल, और काय का कारण बन चुके हैं, वो ट्रॉबल मतलब समस्या का, इन द वर्ल्ड मतलब संसार में उस इंसान के लिए समस्या का कारण बन चुके हैं। तो इसलिए जो कवि कह रहा है कि आप क्या करें, शांतिपूर्वक निरीक्षण करें अपने आप का। और नाउ मतलब अब, इट इज़ द टाइम, अब ये वही समय है, इट इज़ द टाइम मतलब अब ये वही समय है, बैन मतलब क्या हो गया, जब, ही मतलब वह इंसान, शुड मतलब चाहिए, और टेक मतलब होता है लेना, और क्या लेना चाहिए, आप पोज, पोज मतलब होता है थोड़े समय के लिए रुकने को बोलते हैं, तो उसको क्या लेना चाहिए, आप पोज मतलब एक विराम लेना चाहिए। तो क्या लिखा है, नाउ इट इज़ द टाइम, ये वही समय है, ये कौन सा समय है, बैन मतलब जब, ही शुड टेक अ पोज, जब उसको क्या करना चाहिए, एक पोज लेना चाहिए, और पोज लेकर क्या करना चाहिए, ही शुड डू, उसको करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ मतलब होता है स्वयं का, इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण करना, उसको स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए। क्या लिखा है, नाउ मतलब अब, इट इज द टाइम, यह वही समय है, और यह कौन सा वह समय है, व्हेन ही शुड टेक अ पोज, उसको क्या करना चाहिए, एक पोज लेना चाहिए, और पोज लेकर क्या करना चाहिए, ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसको क्या करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अब आगे लिखा है, सिटिंग डज नॉट मीन, सिटिंग मतलब होता है बैठना, आप जब शांति से बैठ जाएंगे तो इसका मतलब वो कभी कहना चाह रहा है क्या नहीं है, सिटिंग डज नॉट मीन, इसका अर्थ नहीं है टोटल इनएक्टिविटी, तो शांति से बैठने का क्या अर्थ नहीं है, टोटल इनएक्टिविटी अर्थ नहीं होता है। तो स्टिलनेस, स्टिलनेस मतलब होता है शांत, और साइलेंस मतलब होता है चुप्पी, तो स्टिलनेस और जो साइलेंस है ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, विल हेल्प मतलब मदद करेंगी, और किसकी मदद करेंगी, मैन मतलब आदमी की मदद करेंगी, और काय में मदद करेंगी, इन क्रिएटिंग मतलब उत्पन्न करने में या निर्माण करने में, काय का निर्माण करने में मदद करेंगी दो चीज़ें, फीलिंग, और कौन सी फीलिंग लाएंगी, मनुष्य के अंदर, ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली लाएंगी, कौन सी लाएंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है परिपक्व, क्या कौन सी समझदारी जाएगी, परिपक्व वाली समझदारी जाएगी, और कहाँ जाएगी, अमोंग मतलब के बीच में या मध्य में, ह्यूमन बींग्स मतलब मानव जाति के बीच में, हमारे अंदर कौन सी फीलिंग आ जाएंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंड वाली फीलिंग आ जाएंगी। चलिए एक बार और देख लेते हैं, तो क्या लिखा है, कीपिंग क्वाइट का जो सेंटर आइडिया है, तो इन कीपिंग क्वाइट मतलब इस कविता के माध्यम से, कौन सी कविता के माध्यम से, कीपिंग क्वाइट के माध्यम से, द पोइट क्या करता है, डिमांड्स कर रहा है, किस चीज की डिमांड्स कर रहा है, द नेसेसिटी मतलब आवश्यकता है, और किसकी आवश्यकता है हम लोगों को, ऑफ मतलब की, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण करने की हम लोगों को
आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? जो मेंस के एक्शन है, और कौन से एक्शन है? हिज रन एंड हरी, जल्दबाजी और भागा दौड़ी वाले जो एक्शन है, हैव ऑलरेडी कॉज, वह कारण बन गए हैं। काय का कारण बन गए? मच मतलब अत्यधिक, और केस मतलब क्या होता है, गड़बड़ी का कारण बन गए हैं, और काय का बन गए हैं, ट्रबल मतलब समस्या का, इन द वर्ल्ड, दो चीजों का कारण बन गए हैं, केस एंड ट्रबल का बन गए, इन द वर्ल्ड। इसलिए वो कह रहा है कि अब ये वही समय है, नाउ इट इज द टाइम, ये वही समय है। अब कौन सा समय है? व्हेन ही शुड टेक अ पोज, जब उसको एक पोज लेना चाहिए, और पोज लेकर क्या करना चाहिए? ही शुड डू सेल्फ, और सेल्फ मतलब स्वयं का, इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मरक्षण करना चाहिए। जब आत्मरक्षण करें तो कभी कहना चाह रहा है, जब आप बैठ जाते हैं तो उसका मतलब क्या नहीं है, टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए लिखा है सिटिंग डज नॉट मीन, बैठने का अर्थ क्या नहीं है, टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। अब जो स्टिलनेस है और जो साइलेंस है, ये दोनों चीजें क्या करेंगी, विल हेल्प मतलब मदद करेंगी, मैन मतलब आदमी की, और क्या करने में मदद करेंगी, इन क्रिएटिंग करने में, और क्या क्रिएट कर देंगी, फीलिंग निर्माण कर देंगे इस इंसान के अंदर, फीलिंग आ जाएंगी। और कौन सी आ जाएंगी? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग आ जाएगी। और कहां आ जाएगी? अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स के अंदर ये फीलिंग आ जाएगी।